नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देसी एग्रीकल्चर में। दोस्तों, अब बरसात का समय आ गया होगा और आप सभी के मतलब खेतों में फसलें उग चुकी होगी। तो दोस्तों, आप ये बात भली भांति जानते होंगे कि फसलों के साथ साथ खेतों में खरपतवार भी उगते हैं। तो आपके खेतों में भी खरपतवार, बहुत प्रकार के खरपतवार उग गए होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे खरपतवार के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत मुश्किल से वो ख़त्म होता है आपके खेतों से। दोस्तों, वैसे तो खरपतवार दो प्रकार के होते हैं, एक चौड़ी पत्तियों का, एक संकरी पत्तियों का। जो आज हम जिस खरपतवार के बारे में बात करने वाले हैं उस खरपतवार मतलब संकरी पत्तियों के अंतर्गत आता है। तो चलिए, हम आपको जो मेरे पीछे हमारा खेत दिखाई दे रहा है मक्का का, उसमें मैं आपको उस खरपतवार के बारे में बताता हूँ पहले, और फिर उसको आपको किस प्रकार से उसको ख़त्म कर सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी मक्का का खेत है, इसमें हमने मक्का बो रखी है, 1 एकड़ का ये खेत है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको उस खरपतवार के बारे में बताता हूँ। तो ये खरपतवार, अगर आप इसको जानते होंगे तो आप इसको पहचान गए होंगे कि इस खरपतवार का नाम क्या है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, ये है मोथा खरपतवार। ये मतलब कि आप दूसरी दवाइयों का स्प्रे कर दीजिए, ये नहीं मतलब ये ख़त्म नहीं होता है। आज मैं आपको इसके लिए एक स्पेशल दवाई बताने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आप इसमें कुल्पा चलाते हो, इसकी निदाई गुड़ाई करते हो, तो क्या होता है कि ये यहाँ से मतलब ये एक बार यहाँ से पड़ गया है, ये पड़ गया है, लेकिन इसकी क्या होता है कि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जो उसमें क्या होता है कि जड़ों में इसके गांठें होती हैं। जो अगर आपने इसको एक बार पाड़ दिया, मतलब एक बार इसको ज़मीन से उखाड़ दिया या फिर इसको काट दिया ऊपर से, आप कुल्पा चलाते हो तो फिर निदाई गुड़ाई करते हो तो क्या होता है कि वो इस प्रकार से वो टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, फिर से वापस ज़मीन के ऊपर उग जाता है। तो दोस्तों, आज का इसके बारे में मैं आपको एक बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको मैं एक ऐसी दवाई बताने वाला हूँ जिसके कारण से आप मतलब कि ये इसमें आप इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हो, सात गांठों तक। इसमें क्या होते हैं कि अंदर इसके गांठे होते हैं, ये आप देख सकते होंगे कि यहाँ से ये मतलब कि इसकी जड़ के अंतर्गत और इसकी नई जड़ चल रही है, तो ये जड़ जैसे जैसे नीचे जाएगी इसमें गांठे बनती जाएगी। तो दोस्तों, ये 7 गांठों तक वो दवाई होती हैं जो वो इसको स्प्रे करने से 7 गांठों तक का मोक्तिया मतलब मोथा ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपने धानुका कंपनी का नाम सुना ही होगा, धानुका कंपनी के बहुत प्रकार की दवाइयाँ आती हैं। तो उसमें से ही धानुका ने अपनी एक ज़ोरदार दवाई बनाई है स्पेशल मक्का के लिए, उसका नाम है दोस्तों सेम्प्रा। नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो इसका टीवी पर भी एड आता है, टीवी में भी इसका विज्ञापन आता है। और सेम्प्रा मतलब धानुका का एक बहुत ही ज़ोरदार प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, अब इसमें क्या होता है कि आपको इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों, इसमें आपको 1 एकड़ के लिए 36 ग्राम का एक पैकेट आता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 1 एकड़ के लिए 36 ग्राम का पैकेट आता है। तो आपको 1 एकड़ में 36 ग्राम का पैकेट लाना है, अगर आपको 1 एकड़ में आपको इसका स्प्रे करना है तो। और उसके साथ आपको क्या करना है कि 500 ग्राम एट्राजिन, 500 ग्राम एट्राजिन का एक पैकेट भी लाना है, 500 ग्राम एट्राजिन का पैकेट लाना है, और प्लस 36 ग्राम ये सेम्प्रा, 500 ग्राम एट्राजिन और 36 ग्राम इसको पानी में मिला देना है, पानी में घोल बना देना है। और फिर आपको 1 एकड़ में 10 टंकियाँ, 1 एकड़ में आपको इसकी 10 टंकियों का घोल बनाना है। आप या तो आप 10 डिब्बे भर लीजिए पानी के, जो हर टंकी में आप इसका घोल बनाकर डिब्बे भर लीजिए, जो हर टंकी में आप इसका 1 डिब्बा उसमें डाल दीजिए, तो आपको मतलब बराबर 10 टंकियों में इसका स्प्रे करना है। और ये 1 एकड़ के लिए यह पर्याप्त है, तो आपको 1 एकड़ में इसका स्प्रे कर देना है। तो दोस्तों, इसका स्प्रे करने के बाद इसका रिज़ल्ट क्या आएगा कि मैं आपको बताता हूँ कि रिज़ल्ट इसका तुरंत देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मोथा है जो ये बहुत ही ज़िद्दी खरपतवार के अंतर्गत आता है, जो ये मतलब इसकी जड़ें होती हैं जो ये बहुत मुश्किल से ये ख़त्म होती हैं। तो इसमें आपको 15 से 30 दिन लगेगा, 15 दिन के बाद इसकी मतलब प्रक्रिया चालू हो जाएगी इसके सूखने की, तो 30 दिन के बाद मतलब ये आपके खेत से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, एक और ज़रूरी सूचना मैं देना चाहता हूँ कि सेम्प्रा का उपयोग केवल आप मक्का की फसल में ही कीजिए। अगर आप सोयाबीन या मूँगफली में आप इसका स्प्रे करते हो तो आपकी सोयाबीन और मूँगफली को भी इससे नुकसान हो सकता है क्या, मतलब यकीनन होगा, क्योंकि ये स्पेशल मक्का के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।